दोनों में दोहरी नीति किए हैं, सबको सम्मान होना चाहिए, समान वेतन देना चाहिए। तीन से एक महीने से करीब शांति प्रदर्शन कर रहे हैं, शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सरकार को सुनाई नहीं दे रही है, लगातार धरना प्रदर्शन दे रहा है, अगर फिर भी आप लोगों की मांगे नहीं मानी जा रही है आगे क्या? हम उग्र प्रदर्शन करेंगे, हम आरआई बंद करेंगे, हम कोल्ड चेन बंद करेंगे, हम 15,000 में अपना परिवार नहीं चला सकते हैं और उसको एफआरएस के अधिकारी को हम लोग लेटर दे रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार हमसे बात करने के लिए नहीं आ रही है। क्यों सरकार? क्या हम लोग मतलब खाएंगे पिएंगे नहीं, हम लोग का पेट नहीं है, हम लोग तो हमको उग्र होना पड़ेगा और उग्र हम खुद से नहीं होंगे, हमको मजबूर कर रहे हैं सरकार, हमको उग्र होने पे मजबूर कर रहे हैं। सासाराम के कलेक्ट्रेट गेट के बाहर मौजूद है और मैं आपको बता दूं कि एनएचएम संविदा कर्मी द्वारा यहां पर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है और वीडियो में साफ तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। ये लोग विभिन्न मांगों को लेकर आज धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और कलेक्ट्रेट गेट के बाहर खड़े हैं। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि लगातार तस्वीर को दिखाएं, मैंने पहले भी इस खबर को कवर किया था और आज ये लोग फिर सासाराम के कलेक्ट्रेट गेट के बाहर अपने विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। क्या कहिएगा आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं? देखिए सरकार हमारी बैरी हो गई है, 22 दिन से लगातार हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है एफआरएस के विरोध में, समान कार्य के समान वेतन के विरोध में, लेकिन सरकार नहीं सुन रही हमारी बातों को। हम लोग शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं हर एक जगह, सीएस से लेकर सीएस सर से लेकर अपने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को लेकर, डीएम संग्रहालय में डीएम महोदय को लेकर, सरकार को हर एक अधिकारी को हम लोग लेटर दे रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार हमसे बात करने के लिए नहीं आ रही है। क्यों सरकार अपनी डर छुपी हुई है? सामने साफ तौर पे कहना है कि लगातार हम लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, फिर भी सरकार हम लोग से बात नहीं कर रही है। क्या उम्मीदें हैं बिहार सरकार से आप लोगों की? हमें पूरा उम्मीद है कि सरकार हमारी बातों को सुनेगी और हमें आश्वासन नहीं आदेश देगी। हम 15,000 में अपना परिवार नहीं चला सकते हैं और उसको एफआरएस को अकाउंट से जोड़ करके वेतन कटने का जो निर्णय लिया गया हो सीधा गलत है, उसको वापस लिया जाए, एफआर सिस्टम को बंद किया जाए और हमारे हमें समान काम का समान वेतन दिया जाए और हमें भी परमानेंट किया जाए और आज नहीं अर्जेंट किया जाए। हमें जिस तरीके से इतनी गर्मी के बावजूद आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, क्या यही बोलेंगे सरकार से कि दोहरी नीति ना करें? एनएचएम है और परमानेंट है, दोनों में दोहरी नीति किए हैं, सबको समान होना चाहिए, समान वेतन देना चाहिए, वो समान वेतन नहीं किए हैं। हमारे साथ एफआरएस लगा दिए हैं और परमानेंट के साथ कुछ भी नहीं, उन लोग आजादी से ड्यूटी करते हैं और हम लोग बहुत दिक्कत से ड्यूटी करते हैं। जाकर एफआरएस लगाने से पहले सरकार को यह पता करना चाहिए कि लोग एनएम दीदी लोग सीएचओ लोग कहाँ कहाँ जाती है, कैसे कैसे जाती है, पहले सरकार को यह देखना चाहिए। और अभी जो लगाए हैं इस पर सरकार को एफआरएस इस पर पहले करना सुधार के जाए, उसके बाद सभी लगाएंगे सर। विधानसभा का चुनाव नजदीक है, क्या कुछ उम्मीदें हैं? उम्मीद बहुत है पर वो करेंगे तब तो, इसलिए तो हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं कि हम लोग का मान सम्मान एक वतन होना चाहिए, हम लोग के प्रति वो आगे आए देखे कि एनएचएम कर्मी क्या क्या करता है। क्या कहिएगा जिस तरीके से आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, अगर फिर भी आप लोगों की मांगे नहीं मानी जा रही है आगे क्या कर सकते? आगे देखिए हम लोग का जो संघ है वो जैसा कहेंगे वैसा करेंगे, ओपीडी बाधित करेंगे, कोल्ड चेन बंद करेंगे। अब हम लोग इतना दिन से एक महीने से करीब शांति प्रदर्शन कर रहे हैं, शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सरकार को सुनाई नहीं दे रही है, तो हमको उग्र होना पड़ेगा और उग्र हम खुद से नहीं होंगे, हमको मजबूर कर रहे हैं सरकार, हमको उग्र होने पे मजबूर कर रहे हैं ताकि हम उग्र प्रदर्शन करें। कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं दे रहे हैं और जो है जो परमानेंट कर्मचारी है उनके साथ कुछ भी लागू नहीं हो रहा है, संविदा को पेमेंट भी कम दे रहे हैं, समान काम ले रहे हैं, समान वेतन नहीं दे रहे हैं और उसके बाद हम लागू अभी हमारे ऊपर किया जा रहा है कि हम 9 से 5 एफआरएस दें। और अगर बिहार सरकार और स्वास्थ्य विभाग से कितनी उम्मीदें हैं? हम लोग तो उम्मीद अभी कुछ नहीं है। देखिए हम लोग 4-5 माह से वेतन भी बंद हुआ है, क्या हम लोग मतलब खाएंगे पिएंगे नहीं, हम लोग का पेट नहीं है, हम लोग और एक महीना से हड़ताल किए हुए हैं जो हम लोग सरकार कुछ सुन नहीं रहा है और हम लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे। अब ओपीडी भी बंद करेंगे, आरआई भी बंद करेंगे और अनिश्चितकाल हम लोग हड़ताल पे रहेंगे। अंतिम सवाल आपसे है, क्या करिएगा आप लोग अगर मांगों को नहीं मांगा जाए? आशा करते हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जो है जो हम लोग को देख रहे हैं वो हमारी मांग सुने, जो हमारी मांग जितनी भी मांगे हैं एक भी जन नाजायज नहीं है, सारी जो मांगे हैं वो जायज है। और जहाँ तक कि हम लोग क्या करेंगे, इतना देर से हम लोग शांति प्रदर्शन कर रहे थे, अपना बात सबको ज्ञापन दे करके बता रहे थे कि हमको ये दिक्कत है, हमारा मांग सुना जाए, लेकिन अगर सरकार नहीं सुनोगी तो हम उग्र प्रदर्शन करेंगे, हम आरआई बंद करेंगे, हम कोल्ड चेन बंद करेंगे।
अभी आप सुन रहे थे, हम अभी सासाराम के कलेक्ट्रेट गेट के बाहर मौजूद हैं और अभी एनएचएम कर्मी को आप सुन रहे थे, इनका साफ तौर पे कहना है, लगातार ये लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, लगातार अभी कलेक्ट्रेट गेट के बाहर हम खड़े हैं, देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जुटाव हो गया है। और इन लोगों का कहना है कि अगर हम लोगों की मांगे नहीं पूरी की जाती है तो हम लोग आगे उग्र प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। फिलहाल मीडिया दर्शन के लिए लव कुमार की रिपोर्ट।